आपको डिफरेंट चीजें बता रहे होते हैं, आपके फायदे की चीजें, और जो कि आप अपने स्किन के हिसाब से, अपने वेदर के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से खुद बना सकते हैं। तो आज हम बता रहे हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन एक्चुअली उस वक्त लगाते हैं कि जब हमें कोई फंक्शन अटेंड करना है, या डार्क सर्कल्स हैं, या स्किन का कलर बिल्कुल स्किन को स्मूथ दिखाना है, तो हम फाउंडेशन यूज कर रहे होते हैं। स्टिक फाउंडेशन यूज करते हैं, लिक्विड फाउंडेशन यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन यूज करते हैं, लेकिन आज हम अपनी फाउंडेशन बनाएंगे और इसको आप तीनों सूरतों में लेके जा सकते हैं। इसको आप लिक्विड भी रख सकते हैं, इसको आप कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं, और इसको जो है आप स्टिक की सूरत में भी बना सकते हैं। इसमें आपको चाहिए सबसे पहले पानी, आधा कप पानी, इमल्सिफाइंग वैक्स 2 टेबल स्पून, जेजुबा ऑयल 2 टेबल स्पून, कोको पाउडर, चॉकलेट का जो पाउडर है ये तकरीबन आपको चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ जो है मुल्तानी मिट्टी या काउलन जिसे कहते हैं, ये भी आपको अपने अकॉर्डिंग टू स्किन चाहिए। उसके अलावा कत्था पाउडर, कत्था वही जो कि हम पान में इस्तेमाल करते हैं, उसका पाउडर हमें चाहिए। ये तीनों चीज़ें, कोको पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और कत्था पाउडर, ये चीज़ें जो है हमें बाद में ऐड करनी है, और जो हमें अपना बेस का कलर बनाना है, फाउंडेशन का कलर बनाना है, उसके हिसाब से हमें इसको ऐड करना है। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर पानी गर्म करेंगे, जब पानी गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर इमल्सिफाइंग वैक्स डाल देते हैं। इमल्सिफाइंग वैक्स मिक्स हो जाती है, जब मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो उसमें जोजुबा ऑयल डालेंगे, जोजुबा ऑयल को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा कोको पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और कत्था पाउडर डालेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून। तीनों चीज़ें डाल के मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स होगा तो ये बेस कलर तैयार हो जाता है। अब जो भी आपका स्किन टोन है उसके हिसाब से, अगर आपका फेयर टोन है तो इसमें आप कत्था पाउडर ज़्यादा ऐड करेंगे तो पिंक टोन आ जाएगा। अगर आप व्हीटिश हैं तो इसमें आप मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे, मुल्तानी मिट्टी ऐड करते जाएंगे, और जो कलर आपके स्किन से एक कलर शेड लाइटर होगा उस पर आपने आके रुक जाना है। और अगर थोड़ा सा सांवला रंग है या डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसके लिए जो है कोको पाउडर इस्तेमाल होगा, और उसका उसके जो मिकदार है वो अपनी स्किन के हिसाब से उसमें ऐड करते जाएंगे, मिक्स करेंगे। इसको किसी जो है आप जार्स के अंदर डाल के रख सकते हैं, या जो स्टिक्स खाली हो चुकी होती है फाउंडेशन की उसके अंदर आप इसको फिल करके रख सकते हैं। जब ये सेट हो जाए तो ये आप इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल बेहतरीन आपका फाउंडेशन बेस मेकअप तैयार है।